भाग्यशाली गुरुमुखो, संत सतगुरु ही इस जीव के वास्तव में, यहां वास्तव में इसलिए कहा जा रहा है कि इस चीज पर हमें विशेष ध्यान देना है। हमारे परम हितेशी हैं, हितेशी सभी कहलाते हैं और हर कोई ये हमें जतलाता भी है कि मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, शुभ चिंतक हूं, वेल विशर हूं। मगर हर कोई शुभ चिंतक है, लेकिन उसे खुद को जितनी समझ है उसी अनुरूप उसी प्रमाण में वो हमारी मदद करता है, उसी अनुरूप उसी प्रमाण में वो हमारे को साथ देता है। हाँ, अब उसकी समझ ही इतनी है तो वो अपने को वेलविशर कहलाने में भी वाकई नहीं हिचकता। पर वास्तव में, फिर यहां वास्तव में कहा जा रहा है, सतगुरु के सिवाय कोई भी हमारा हितेशी नहीं, कोई भी परम हितेशी तो छोड़ो, हितेशी भी नहीं है। और सतगुरु के लिए परम हितेशी अगर यूज किया जाता है, शब्द प्रयोग में लाया जाता है, उसकी वजह है वो हमारे पूरे पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को जानते हैं। और कैसे हम अपना प्रेजेंट वर्तमान सफल बनाएं, उसकी हमें बार बार प्रेरणा देते हैं। और जिसने अपने वर्तमान को संवार लिया उसने अपना भविष्य अटपटिक बना लिया, क्योंकि आज का वर्तमान ही कल का भविष्य बनता है, कल का भाग्य बनता है। अगर हमने वर्तमान में वो कुछ कर लिया जो हमारे सतगुरु चाहते हैं, उनका एक ही मिशन है, अगर हमने वास्तव में वो चीज कर ली तो हमारा भविष्य निश्चित तौर पर ब्राइट है, सुनहरी है। हम कभी भी अपने भविष्य में पीछे हट के नहीं देखेंगे, बशर्ते हम अपने सतगुरु के वचन को वाकई यह मान ले कि ये मेरे आत्मा के लिए अमोघ अस्त्र है, राम बाण है। और जिस जिस गुरुमुख ने इस चीज पर जितना जितना अमल किया है ना, उतने प्रमाण में उसे खुशी भी मिली है, आनंद भी मिला है और उसका भविष्य भी संवरा है। अभी अभी हमें आदेश हुआ, आठ पहर कर गुरु पूरे का ध्यान ध्यान ध्यान। हमें लगभग ये पता ही नहीं है कि हमारे मन में जो ख्याल चलते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। हमने कभी अपने ख्यालों की ताकत को परखा ही नहीं है, हमने कभी अपने ख्यालों की ताकत को समझा ही नहीं है। एक ज्वलंत उदाहरण है, आप सिर्फ कहो आज मैं बड़ा थका हुआ हूं, थोड़ी देर बाद आपकी थकावट आ ही जाएगी। और अगर आपने जिससे कहा फिर उसने भी कहा हाँ बराबर तुम थके हुए हो, फिर उसने दो और से कहा, इस प्रकार हमारा एक ख्याल हमें वास्तव में थका देता है। पर उसी क्षण हमारा कोई मनपसंद कार्यक्रम हो रहा हो, उसकी हमें सूचना मिले कि इधर आ जाओ ये प्रोग्राम चल रहा है, सच बताओ हमारी थकावट उड़नछू हो जाती है कि नहीं? घर वाले ही परेशान हो जाते हैं कि अभी तक तो ये पड़ा हुआ था, खड़ा कैसे हो गया, इसमें जान कहां से आ गई? अब वो जो जान आई है वो हमारे को प्रोग्राम की वजह से नहीं आई, वो हमारे को प्रोग्राम सुनकर नहीं आई है, हमारा ख्याल चेंज हो गया। यहां तो मुझे जाना ही कि मैं जीत तो हूं, हुआ क्या है मुझे? एक ख्याल आया कि मैं ठीक ही तो हूं,
मुझे क्या हुआ है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है। अगर इतनी शक्ति है और हम उससे सारा दिन नकारात्मक ख्याल अपने अंदर भरते रहे, आज भी वर्तमान भी नष्ट हुआ, भविष्य तो नष्ट होना ही है, क्योंकि भविष्य आज की ही छाया है। आज अगर हमारा उज्जवल है तो कल भविष्य उज्जवल ही रहने वाला है। आज ही हम रात को परेशान होते, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, पता भी नहीं चला, कुछ किया ही नहीं, अफसोस के साथ सोए, खुद ही समझ सकते हो कितना उस वक्त मन खिन्न होता है। और उसके अलावा आज का प्रभाव जो कल पर पड़ेगा, आज का बीज बोया हुआ जरूर उगेगा। अब लोग फिर क्या करते हैं, बहुत सियाणप करते हैं, चतुराई करते हैं, बाहर से बोलते कुछ हैं पर अंदर से सोचते कुछ और है, पर अर्थ और भाव अंदर का पड़ता है। आप खेतों में बीज डालो, पनपता है ना बीज, पर कौन सा बीज पनपता है, जो खेत में गहराई से चला जाता है, जो ऊपर ऊपर पड़ा रह जाता है वो पनपता है, वो या तो धूप में सड़ जाता है, या फिर पानी में गल जाता है, या पंछी खा जाते हैं। बीज कौन सा निकलता है, जो धरती में अंदर गया। अब हमारे मन में तो यही चल रहा है, मेरी तो किस्मत ऐसी है, बाहर से हम कुछ भी कहे जा रहे हैं, बीज कौन सा हुआ, नकारात्मक। हम सोच रहे हैं मेरे तो उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा हो गया, उसको किसी के प्रति बुरा भी सोच रहे हैं। बीज अंदर से क्या है, वो है, बाहर से हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके कदमों में पीछे चले जा रहे हैं, कोई असर नहीं होने वाला है। परम पूज्य श्रीमान साहब जी फरमाते थे, जो जीव होए सो उगवे, जो जीव में होगा वो उगेगा। मुंह का कहिया हुआ, मुंह से कहने से कुछ नहीं हो तो हवा जैसा गुम हो गया, बीजे विख, अब अंदर जहर भरा हुआ है। मंगे अमृत, मांगता अमृत है, वेखो ए हुन्या। आप देखते हो कई जने सक्सेस नहीं होते बिजनेस में भी, पहले ही उनको ये अंदर आशंका है कि मैं सक्सेस थोड़ी हो पाऊंगा, कर रहा हूं ट्राई करके देख लेता हूं, कभी नहीं होगा सक्सेस। कई बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अंदर नकारात्मक ख्याल भरा पड़ा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं तो मेरे बस की बात नहीं, ऊपर से डंडे मार के टीचर भी पढ़ा रहा है, घर वाले भी पढ़ा रहे हैं, वाकई नतीजा वही आता है। अब जब हमारे ख्यालों में इतनी शक्ति है तो यहां पर आदेश क्या हुआ है, आठ पहर कर गुरु पूरे का ध्यान ध्यान। अगर आठ पहर हमारे अंदर ध्यान चलता रहा तो हम किस ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, उसका प्रभाव भी तो दिखेगा। हम आठ पहर क्या करते हैं, सबको अपने अपने पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। परम पूज्य श्रीमान साहब ने भजन लिखा है, जेहड़ो ख्याल कंदे सो बण दे, जेको भोखी दे सो लुण दे। जैसे ख्याल करोगे वैसे बन जाओगे, जो बोओगे फसल तो वही आनी है, कटनी वही है। इसीलिए आदेश हुआ है, तो आठ पहर ध्यान की आदत डाल दे, स्मरण की आदत डाल दे, उठत बैठत सोत नाम, छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कभी हम नकारात्मक नहीं सोचे, जो सोचोगे अवश्य बन जाओगे। अगर आपने सोचा मेरा काम कैसे होगा, पक्का है नहीं होगा, चाहे कितनी आशीर्वाद ले लो, क्योंकि अंदर जो पड़ा हुआ है काम उसने करना है। जिसको विश्वास होता है मेरे गुरु महाराज जी हैं, मेरे साथ अनसंग हैं, उसको पल पल में सतगुरु की रहमतें नजर आती हैं। जिसको विश्वास नहीं है वो कहता मिलता क्या है गुरु दरबार से, तो सिर्फ बातें करते हैं। मन अपना बुरा है,
मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्टि साजना। अपने मन से बुराइयां, अपने मन से नकारात्मकता का खात्मा कर दो, संसार भी सजनों से भर जाएगा, संसार उज्ज्वल हो जाएगा। मैंने एक दो बार पहले भी यहां एक प्रसंग सुनाया है जो कि मुझे भी बहुत छू जाता है। एक चंचल वृत्ति का बालक अगर चंचल है तो निश्चित है घर वाले भी परेशान होंगे। अब होता क्या है, जो चंचल है उसको सभी कहते बड़ा चंचल है, बड़ा वो और चंचल हो जाता है। उनके घर कोई एक सज्जन आए, उनको जरूरी कुछ बातें करनी थी, पर वो इतनी मस्ती कर रहा था, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कोई मुद्दे की बात करें। ये तो बच्चे की वजह से था, पर वैसे भी जब आप कोई मीटिंग करते हो, आप याद करो, नोटिस करो, उस मीटिंग में और बातें कितनी हो जाती है। कभी किसी का फोन बज जाएगा, कभी किसी ने कुछ बात कर दी। उस मीटिंग में कम से कम 10 बार बोलना पड़ता, कम टू द पॉइंट प्लीज, कहते हो ना, अरे भाई मुद्दे की बात पे आओ, क्या बेकार की बातें लेके बैठे। गए हैं किसी खास मकसद से, पर वहां भी हमारा मन चंचल होने की वजह से, मन का काम ही, मन केवल नाम के जपने के समय थोड़ी परेशान करता है, हर काम में, अच्छे काम में टांग अड़ाता है, हर अच्छे काम में टांग अड़ाएगा। योगा करेंगे कल से, वो कल आती नहीं, कल से ऐसा नहीं करेंगे वो आती नहीं है, कल से ऐसा करेंगे। ये मन की चालबाजी है, और ये मन की चालबाजियां हैं। इससे वो ही बचेगा जो आठ बहर आराधव प्यारे, नमक न कीजिए ढीला। नमक कहते पलक झपकने जितनी देर को, इतनी देर भी मन को ढीला मत छोड़ो। और हम मन के आगे साष्टांग दंडवत कर देते हैं, जैसे मन राजा बोले हम ऐसा करेंगे। अब वो तो शासक बन के हमारे ऊपर शासन ही करेगा, वो तो हमें गुलाम बनाकर गुलामी ही करवाएगा हमसे। संत सतगुरु कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, एक रंग में जो रहे सो कोई साधु है। फिर आप कहोगे वैसा वे हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आप समझो ना, वो है ही आई एम पॉसिबल। हम उसको इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कह के खुद अपनी तरक्की के आगे बांध बनकर खड़े हो जाते हैं हर फील्ड में। वही फील्ड सतगुरु के शरण में भी, भक्ति में भी काम आती है। आज क्या सुना, सिमरन सेवा आरती पूजा इसके साथ है ना, हम इसी को टाल देते हैं कल पर। अब जो हमारे अंदर ध्यान चलना चाहिए उसके लिए साधन जो है, वो साधन नहीं करेंगे तो ध्यान कहां से टिकेगा। आप थोड़ा सा अपने जीवन पर प्रकाश डालें। आप शाम को 7 बजे आरती करते हो, आरती पूजा का टाइम अगर पूरे आराम से भी की जाए तो 15 मिनट होता है, पूरी अगर की जाए स्तोत्र और शाम को स्तुति तो भी आधा घंटा, भी 25 मिनट लगेंगे। पर आपको 6 बजे से मन में पेन चुभना शुरू हो जाती है, आरती करनी है, आरती करनी है, आरती करनी है, आरती करनी है। फिर 1 घंटे से आपका सिमरन जाने अनजाने किसका हो रहा है, गुरु महाराज जी। भोग लगाना है, भोग लगाना है, उससे पहले से शुरू हो जाता है। क्या भोग लगाएं, कब लगाएं, अच्छा अभी विश्राम करवाना है, ड्रेस चेंज करनी है, ये सभी हमारे को साधन है ताकि हमारा समय सकारत हो, ताकि हमारा समय सिमरन में जाए। और जहां बीतेगा समय उसका प्रभाव तो निश्चित पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कुदरत का, कुदरत किसी की मां नहीं है, कुदरत सबको वही देती है जो उसके भीतर चल रहा है। अब हम अपने आप को टटोलें कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, और फिर देखें जो मेरे भीतर चल रहा है क्या वैसा ही मेरे सामने नहीं आ रहा है। श्रीमान साहब जी एक सुंदर प्रसंग सुनाते थे, बहुत
आजकल तो बड़े बड़े सैलून बन गए हैं, कुछ दिन पहले तक भी बड़े बड़े बार्बर शॉप थे, आजकल उसको कुछ और भी नाम देकर। पहले जमाने में तो हाथ में डब्बा लिए उसमें उस्तरा लेके हजामत करने के लिए लोग घूमते थे, जहां बैठे थे वहीं बिठा दिया, कपड़ा लगा दिया। और एक बुजुर्ग ने कहा मेरे बाल बना दो। अब जब तक वो बाल बनाने की तैयारी करे तो पूछता है, देखो तो मेरे सिर में कितने बाल आ गए, क्योंकि तब ना आईना वगैरह नहीं लगते थे। इतना सुंदर जवाब दिया उस हजाम ने, नाई ने। कई बच्चे तो आज हजाम भी अक्षर नहीं समझेंगे, क्योंकि घर में मातृभाषा तो विलुप्त हो चुकी है। उस नाई ने उसे इतना सुंदर जवाब दिया बार्बर ने, 2 मिनट रुक, बाल काट रहा हूं, तेरे आगे झोली में गिरेंगे, खुद ही देख लेना कितने सफेद हैं कितने काले। हमारा किया हुआ ही हमारी झोली में आता है। अब उस पे अंदाजा लगाओ कि मैंने सोचा था जो आया है। सच्चाई से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वाकई मैंने जो सोचा था वही तो हुआ है। इसलिए आज से सोचो भी तो सोच के सोचो कि मैं सोच क्या रहा हूं। कल को ये सोच संकल्प में बदल गई और संकल्प सिद्धि में बदल गया, भुगतना मुझे ही पड़ेगा और किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हर सोच पर हर विचार पर दृष्टि रखो। लिखा भी है, ना सुख पढ़िया पंडिता, पढ़ लिख के कोई पंडित बन जाए उसको सुख नहीं मिलना है, ना सुख भूप भय, राजा बन जाए तो भी सुख नहीं मिलना है। और सब इसी चीजों के पीछे पड़े। आजकल चलो राजवंश नहीं चल रहे हैं तो भी राजा का मतलब मेरे पास सब ठाट बाट वाला सामान हो। राजा का मतलब कोई भी आज शासन करना नहीं समझता है, समझता है मेरे पास कोई कमी नहीं हो, बस वो ही राजा है। तैयारियां सब उसी की हो रही है, काम उसी के लिए हो रहे हैं। पढ़ लिख कर मैं कुछ बन जाऊं, आजकल देखो बच्चे लोग, शाबाश उन छोटे छोटे बच्चों को जिनको हम सारा दिन डांटते रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं करो, 6-6 घंटे स्कूल जाए, 2-2 ट्यूशनों पे जाए, फिर आके होमवर्क करें, फिर जाके उनको थोड़ा बहुत खेलने का टाइम मिलता होगा। पढ़ने लिखने के पीछे सब पढ़े हुए हैं, राजा बनने के पीछे पढ़े हुए हैं, जबकि लिखा है ना सुख पढ़िया पंडित, ना सुख भोग गया। एक दिन बच्चा ट्यूशन पे नहीं जाए, पूरा घर उस पे ऐसे पिल पड़ता है, क्यों नहीं गए, आज जाना था, चलो मैं छोड़ के आता हूं। ये सारा दिन उस बेचारे को टोक टोक सुननी पड़ती, आज स्कूल नहीं गया, आज बच्चे। सच बताओ जिस दिन बच्चे ने आरती नहीं की कभी किसी ने उसको बोला है? कभी किसी बच्चे ने भोग लगाने के लिए नहीं किया, कभी उसको किसी ने बोला है? संस्कार कभी डाला ही नहीं है। जो डालते हैं उनके बच्चों में और जो नहीं डालते उनके बच्चों में अंतर स्वतः ही नजर आता है। बच्चों में भी आप ही संस्कार डालोगे तभी उनमें डलेगा, वैसे अपने आप में नहीं डलने वाला है। अपने आप इंसान गिरावट की तरफ जाता है। पानी को रखो, जहां उसको ढलान मिलेगा वहां खुद ही बह जाएगा। ऊपर कभी खुद गया है? ऊपर उसको टुल्लू पंप लगाना पड़ता है तब जाके जाता है। हमारे अंदर गिरावट के ख्याल खुद ही आते हैं। बच्चा स्कूल नहीं जाए सारा दिन उसको सुनने को मिलेगा, सत्संग में नहीं गया कभी किसी ने बोला है? फिर वही बच्चों के लिए शिकायत करते, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, इसमें संस्कार तो डाले नहीं, संस्कार डालने ये वाले अच्छे संस्कार डालने वाले, कोई दूसरी माँ आएगी, कोई दूसरा पिता आएगा, कोई दूसरी दादी आएगी, आप ही को डालने। और वो संस्कार होंगे तो बच्चे का तो भविष्य है ही, आपका भी भविष्य सुरक्षित है। फरमाते हैं, नेम प्रेम से कर रोजाना, आलस ना करे मन, हे मेरे मन इसमें आलस्य न कर। और हमारा सारा आलस्य इसी पर उतरता है।
दुकान जाने में बीच में सिर्फ रेड सिग्नल आता है, घर से निकले और पहला ही रेड सिग्नल आ गया। सच बताओ, अंदर ही अंदर से कारपोरेशन वालों को कितनी गालियां दे देते हो। अभी आना था इसको भी रेड सिग्नल। रेड सिग्नल कितनी देर का? 1 से 1.5 मिनट। वो भी बड़ा शहर है इसलिए, पर डर लगता है कि आगे वाला भी फिर रेड न मिल जाए, और अगर रेड आने से पहले भगा के ले गया तो ऐसे लगता है जैसे मैंने ओलंपिक में विजय हासिल कर ली। फर्क क्या पड़ेगा? संसार के लिए इतनी तीव्रता, लाहे को तो ढीला ढीला, टोटे को बेग धाया। जहां घाटा हो रहा है वहां तुम दौड़े चले जा रहे हैं, और जहां निश्चित फायदा है उसके लिए ढीला ढीला चलेंगे, देखेंगे, करेंगे। हमारे को कौन हितेशी है? सतगुरु है जो हमें ज्ञान देते हैं। फरमाते प्रकट होगी खुद ही अनुभवी ज्ञान, ज्ञान ज्ञान तेरे अंदर ज्ञान की बातें खुद ही प्रकट हो जाएंगी, तू अगर ये नियम से साधन करे तो। श्री गुरु महाराज भी परसों संत नगर में थे, मैं भी वहां था। किसी ने विनय की श्री गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी जीवन में कई रुकावटें आती हैं, आप आशीर्वाद करो। बोले आशीर्वाद तो उस पर टिकता है जो नित नियम करता है। नित नियम करो, आशीर्वाद दौड़ी दौड़ी आएगी। बच्चा स्कूल जाएगा, टाइम से पढ़ेगा, टाइम से होमवर्क करेगा, उसको कोई फेल कर सकता है? फेल होने का डर किसको रहता है? जिसने स्कूल से मिसिंग किया, जिसने होमवर्क नहीं किया, जिसने कभी उसको याद नहीं किया, डर उसको होता है ना। जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो तो इंतजार करता है एग्जाम आए मैं अगले क्लास में जाऊं। आगे फरमाते सत असत का पता चलेगा, धोखे से तो बच जाएगा, नाश हो जाएंगी भय चिंता, सारी उम्र खुशी से हंसता रहेगा। उस खुशी का वर्णन मुंह से नहीं कर पाएगा बयान। कितने सुंदर वचन है ये, हमें कौन सिखाता है? गुरु महाराज जी और संतों के साथ कोई सिखाता है? संत सतगुरु ही हमारे लिए सोचते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। आम दुनिया तो सिर्फ कहते भी तो इनको चलो अभी काम चलाओ आगे बढ़ो, बस अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे सभी लगे पड़े हैं। फरमाते हैं असर करेगा बिल्कुल न तुझ पे दुश्मन का कोई दाव, दुश्मन का कोई दाव असर। आज देखो कई तांत्रिकों के पास कोई कहां हार दिखाने, कोई कहां पूजा कराने, क्यों? मेरे ऊपर फलाना है ना वो कुछ कर रहा है। कोई कुछ नहीं करा, तेरा अंदर का ही तेरे को कर रहा है। कड़वी सच्चाई है। आप सोचो मेरे साथ गुरु महाराज जी की शक्ति, उनकी आशीर्वाद है, कौन सी बला तेरे घर टुक टिक पाएगी? कोई नहीं टिक पाने वाली। विचार में कमी है, बला होगी भी नहीं तो भी आ जाएगी। विचार में ही है सारी शक्ति। कोई असर ही नहीं करेगा दुश्मन का दाव, क्योंकि तुझे पता है मेरे साथ मेरे रक्षक हैं। एक बच्चा बहुत गरीब घर का था, पिता ने उसको काफी पढ़ाया लिखाया और उसने भी सब तरफ से ख्याल समेट कर अच्छी से पढ़ाई करके एक बहुत IAS ऑफिसर बने। उसकी ड्यूटी जहां लग गई तो एक दिन पिता उसके पास मिलने गए गांव से। इसमें इतने संस्कार थे, ऑफिस में इतने लोग बैठे थे, पर ये उठकर उनसे पैर छूकर मिला। आजकल तो कई बच्चे पैर छूना भी बहुत डिफिकल्ट समझते हैं। बड़े मैं देखता हूं उनको 10 बार कहते हैं मत्था टेको मत्था टेको, पांव छू तब जाके वो पांव छूते हैं। ये क्यों हुआ है? घर में अगर रोज अपने से बड़ों को आप पैर छू तो दूसरे बच्चे वैसे ही सीख जाएंगे कि हमारे घर का नियम है। सब आपकी नकल करते हैं बच्चे, आप खुद बनो बच्चे बन जाएंगे। इसने जैसे ही इसको पांव छुए तो उसने इसके पीठ पे हाथ रखा, उसके आंसू आ गए कि इतना सब कुछ होने के बाद इसमें संस्कार हैं। और उस वक्त उसने पूछा
संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? पिता ने पूछा, तो बेटे ने जवाब दिया, मैं। ये जवाब सुनना था पिता को बहुत हाथ सदमा लगा कि खुद को मान रहे हैं। सामने जाके बैठ गए तो कहता, पिताजी आपका ख्याल कुछ चेंज हो गया है, क्या हुआ? उसने कहा, बेटा संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन बोला आपने? बोले, अभी तो तूने बोला मैं, और अभी बोल रहे आप। उसने बोला, मैंने तब कहा था मैं क्योंकि आपका हाथ मेरे सिर पर था उस वक्त। पिता का हाथ जिसके सिर पर, उससे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? उसकी भी शक्ति, पिता की शक्ति, दोनों जुड़ गए ना। हमारे ऊपर गुरु महाराज जी का कितना आशीर्वाद है, हमारी शक्ति कितने % बढ़ जाएगी। कभी अपने को अकेले मत समझो, सदा समझो मेरा सिर सतगुरु के चरणों में झुका हुआ है, सतगुरु का हाथ मेरे मस्तक पर है। पर ये तभी संभव होगा जब हम आपके नित्य नियम करेंगे। बाकी बातें करते रहे, बातों के पकवान से ध्रापा कब न हो, कभी भी पेट नहीं भरेगा। आगे फरमाते हैं, ये खजाना अखुट खजाना, कभी खुटने वाला नहीं। कितना भी तू खर्चे, कितना भी खाए, तो कभी इसको खत्म नहीं कर सकता। जल हाथ या चोर भी, इसको कोई तेरे से अलग नहीं कर सकता। अंत में फरमाते हैं, आठों पहर तेरे हृदय अंदर ईश्वर आके बसेगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम चाहते हैं लेकिन साधन नहीं करते। आपको पता है पैसा कमाना है, उसके लिए साधन है। बिजनेस करो, मेहनत करो, संघर्ष करो, वो आप नहीं करो तो आपकी जिंदगी पूरी होगी कभी? हम बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, सच्ची बात है। अगर चाहिए तो करना शुरू कर दो, कोई देर नहीं है। फरमाते हैं, सारी उम्र गुजार के सुख में यहां से जाएगा भी हंसते हंसते, और क्या चाहिए? इतनी आशीर्वादों से भरी हुई हमारे को बरकत मिल रही है। दासन दासा दरगह पाए मान मान, वहां भी सम्मान होगा तेरे। आज से विश्वास रखें। कहने को तो सभी कहते मेरा गुरु पर बहुत विश्वास है। एक नट था, कलाकार, वो बड़ी कलाकारी करता था। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक रस्सी टांग के उस रस्सी पे चलता था, ढोल बजाता हुआ, कंधे पर अपने बच्चे को बैठा कर। बच्चा कितना? 2 साल। सभी नीचे सांस रोक कर देखते थे, इतनी ऊंचाई पे हवा में जा रहा है, रस्सी कितनी होती है, पूरा पैर भी उस पर नहीं टिकता है। जब एक तरफ से निकला, दूसरी तरफ पहुंच के उतरा, सबने तालियां बजाई, हार पहनाए, गुलाल छिड़काए, उसकी जय जयकार की। उसने कहा, एक बार मुझे फिर जाना है, मैं जा पाऊंगा? क्यों नहीं, आपको प्रैक्टिस है, आप कर सकते हो, अभी अभी तो किया है। वो गया फिर ऊपर, फिर वापस लौटा, बोला, मेरा बच्चा नहीं मान रहा है, कोई अपना बच्चा दे दो, मैं उसको कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा। पूरा मैदान खाली हो गया, बच्चा कोई नहीं दे रहा है। कहीं कुछ हो गया तो? हमारा विश्वास ऐसा है, गुरु महाराज जी पे अटल विश्वास है। बीच में किसी ने आके पेन लगाए, विश्वास काफूर हो गया। काम क्यों नहीं बनता है? विश्वास में कमी है। विश्वास अगर ऐसा हो, बच्चे को दे देता भाई, अभी तो इसने अपने बच्चे, जब अपने बच्चे को नहीं गिराया तो मेरे बच्चे को कैसे गिराएगा? कहने को सभी कहते मेरा विश्वास है, गुरु महाराज जी देख रहे हैं, पर जिसको विश्वास है उसका जीवन तो वाकई एक अलौकिक जीवन बन जाता है। वो खुद में भी और हर घट में भी भगवान को देखता है, और जहां भगवान को देखेगा तो उसका क्या हो जाएगा? इसलिए गुरुमुखों, गुरु महाराज जी की अपार शक्ति है, उन्होंने हमें कितने प्यार से संदेश दिया है। आज से नियम बना ले कि मुझे करना ही,
और आज से ये भी सोच लो, कभी ऐसा नहीं सोचो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? जिन्होंने किया उनको कहते ही ना कहती, उनके लिए क्या 24 घंटे की जगह 28 घंटे का दिन था। अब्दुल कलाम अखबार बेच के बड़े हुए, राष्ट्रपति जा बने, मिसाइल मैन जा बने। लाल बहादुर शास्त्री को इतना पैसा नहीं था नाव में चढ़ के गंगा नदी पार कर सके, तैर के पार करके स्कूल जाते थे। हम अपना ख्याल ही, बच्चे छोटे हैं ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, अब बच्चों के ऊपर दोष आ गए। मेरे घर में ये काम है ना इसके लिए, मेरे घर में फलाना है ना, अरे तेरी ट्रेन अगर 6 बजे हो तो ट्रेन पे 6 बजे पहुंच जाएगा। उस वक्त बच्चे बड़े हो गए, उस वक्त घर के बुजुर्ग क्या ठीक हो गए। ये सब हमारे बहाने हैं। आज से बहाने छोड़ के, मैंने एक बार यहां सत्संग में बताया था, एक भगत मिला। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो वो खुद नौकरी करता था, और ये तब की बात है जब उसके नीचे 4000 लोग नौकरी करते थे। मैंने उससे पूछा कि तेरी तरक्की का राज क्या है, तो उसका पीए भी साथ था उसके। उसने कहा मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। बोले मेरे बॉस कभी एक्सक्यूज नहीं सुनते, नो एक्सक्यूज, ओनली वर्क ओनली रिजल्ट। हम कितने एक्सक्यूज देते हैं, मैं घर में अकेला हूं ना, मेरे घर में ये है ना, मैं दूर रहता हूं ना, मैं ऐसा करता हूं ना, ये सब एक्सक्यूज है। और जितनी बार एक्सक्यूज कोई भी देता है ना, वो अपना घाटा करता है। एक्सक्यूज क्यों दिया जाता है? नहीं कर पाया, सॉरी। उस वक्त तो सॉरी कह के छूट जाएंगे, मगर यहां न आने से, जब वहां बैठ के जो सिमरन किया, वो जब सिर चढ़ के बोलेगा तो जीवन दुखों से भर जाएगा। और यहां आके जो सिमरन किया, सत्संग किया, सिर्फ गुरु महाराज जी के आशीर्वाद पे ये याद रहेगा, तो जीवन सुखों से भर जाएगा। इसलिए गुरुमुखो, जो बिताता है विसार, उसकी भी चिंता नहीं करो। आज से, अभी से आगे बढ़कर फिर देखें कि हमारे जीवन में क्या बहार आ जाती है। बहारें हैं, बहारों को हमने खुद ढका हुआ है। खुशियां हैं पर उसके ऊपर हमने खुद गम के साथ चादर बिछा दी है। इसलिए सबको एक तरफ रख के आगे बढ़े। गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं और कितने दयालु हैं। जब देखो आशीर्वाद फरमाते हैं, जब देखो एक सुंदर मिसाल देते हैं। भगत को यही फरमाया, आशीर्वाद तो हम करते हैं पर टिकती उस पर है जो नित्य नियम करते हैं। अब हम नित्य नियम करके अपने सच्ची पूंजी इकट्ठी करें और जीवन को इतने आनंद से जिए कि लोग तरसें कि भाई देखो क्या इनका जीवन है। इसलिए गुरुमुखो, गुरु महाराज जी ने हमारे लिए साधन भी बना दिए, स्थान भी बना दिए, हमारे पास समय है। जो कहता है मेरे पास समय नहीं, वो संसार का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। समय सबके पास है, हाँ उसका सदुपयोग करना कोई जानता है, कोई दुरुपयोग करता है। हम उसका सदुपयोग करें। इस प्रकार हम जीवन जीते हुए गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने, अपना संसार भी सुखमय बनाए, और जब यहाँ से चलें तो आज ही निश्चित कर लो, निश्चित हम चल के गुरु महाराज जी के धाम में पहुंचेंगे। बोलो जय श्री गुरु महाराज की जय।